So this is how a bike is looking after all the things that I've installed. So starting from the tank side, so these are the easy grips. पुरानी वाली ख़राब हो गई थी, so I installed them. ये टैंक वाला टैंक ग्रिप्स और टैंक पैड दोनों नए लगवा दिए. शेड का जो 10 लीटर का टैंक बैग है वो लगा दिया. इसमें मैं ऊपर अपना मोबाइल लगा दूंगा. रीज़न इसको लगाने के लिए क्योंकि मैंने अभी नया फ़ोन लिया फोल्ड 4 और वो रैम माउंट पे फिट नहीं हो रहा. प्रॉब्लम वही है, वो पतला सा है और फिर खुलता है तो बहुत बड़ा, तो वो इसके अंदर रैम माउंट पे फिट नहीं हो रहा. एंड फॉर नेविगेशन आई नीड दिस थिंग बैडली. और फिर मैं कभी डे ट्रिप पे जाता हूँ, वॉलेट या छोटे मोटे बिस्किट्स डॉग के लिए रखना कुछ भी, सो आई कैन कीप दैट स्टफ हियर. ये यहाँ से खुल जाता है. इट हैज़ अ गुड स्पेस, लेट मी शो यू. इसमें आप अच्छे से अपना लगेज रख सकते हो. यहाँ पर मोबाइल चला जाएगा, टैप करा एंड यू आर गुड टू गो. और खोलना है, यू जस्ट हैव टू पुल दिस आउट, ऐसे करना है एंड ये रिलीज हो जाएगा, ये फ्री. देन आफ्टर दैट द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ द लुई मोटो सीट विद जेल इंसर्ट. कसौली राइड पे मेरे को दो चीज़ों ने सबसे ज़्यादा बॉदर करा था. फर्स्ट वन वॉज द सीट, जो स्टॉक सीट आती है वो थोड़ी देर बाद 100-150 किलोमीटर बाद बहुत पेन होने लग जाता है बम्स में. तो वॉट आई चोज इज़ लुई मोटो की, क्योंकि आयरन भी मैंने लुई मोटो डलाई हुई है एंड उसके से सीट काफ़ी कंफर्टेबल हो गई है. तो व्हाट आई थॉट इज़ के इसके अंदर भी क्वालिटी वाली चीज़ ही डालेंगे, लुक भी इनहेंस हो गया. एट द सेम टाइम इसके अंदर मैंने जेल इंसर्ट डलवाया तो इट्स प्रिटी स्टिफ और लॉन्ग राइड पे बहुत सपोर्ट करेगी. एंड सेकेंड थिंग जो मुझे बहुत ज़्यादा बौधा कर रही थी राइड पे, और वो थी ये मैंने नया स्प्रॉकेट डाला है. इफ़ यू गाइस कैन सी, ये देखो ये नया स्प्रॉकेट है. एंड रीज़न फॉर इंस्टॉलिंग दिस स्प्रॉकेट वॉज सिंपल. इस गाड़ी के अंदर जो गियर रेशोज़ हैं वो बहुत क्लोज हैं. यू कैन जस्ट पुट इट इन टू 6th गियर 50 की स्पीड पे, देन इट कैन गो टिल 250 उसी स्पीड पे. तो उसमें क्या रहता है कि 1995 में इट आस्क फॉर द अनदर गियर, क्योंकि इतने शॉर्ट रेशोज़ हैं और ये बाइक के ट्रैक बाइक के हिसाब से बनी हुई है. तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि ट्रैक बाइक पे, तो ट्रैक बाइक को आप जितना हो सके खींच सकते हो, आप उसको पुल कर सकते हो, बार बार गियर अप डाउन कर सकते हो. बट फॉर टूरिंग यू नीड समथिंग मोर कम्फर्टेबल, जिसमें RPM भी इतना ज़्यादा ना रहे और चीज़ थोड़ी सी अच्छे तरीके से हो जाए. तो मैंने इसके अंदर आगे और पीछे के स्प्रॉकेट साइज़ जो पहले आते थे वो थे 16 और 46, जिससे इसकी एक्सेलरेशन बहुत अच्छा था बट जो उसकी टॉप एंड है उस पर ये डाउन हो जाती थी. तो मैंने अब क्या स्विच करा है, आगे वाला तो 16 ही रखा है मैंने, उसमें छेड़ाकानी नहीं करी है. मैंने पीछे 46 से 44 डलवा दिया. तो अभी इसको चला के देखेंगे, अभी तो खैर रात का समय, सुबह चला के देखेंगे और देखते हैं कितना डिफरेंस आया है. एंड आफ्टर दिस टैंक बैग ना बाइक बहुत अच्छी लग रही है, सो डेफिनेटली एक राइड तो बनती है. तो इसको सुबह चला के देखेंगे और सीट एंड स्प्रॉकेट का फ़र्क देखते हैं. होप थोड़ा सा अच्छा आया हो. लुक तो बहुत अच्छा आ रहा है टैंक बैग के साथ. एंड यहाँ खड़े हुई हुई है ये, सो बाइक इज़ लुकिंग डोप. इसको चला के देखेंगे कल मॉर्निंग. बाइक का स्प्रॉकेट चेंज कराना था, डेफिनेटली ये हाई स्पीड्स पे बहुत ज़्यादा अच्छे से चल पा रही है. अदरवाइज अर्लियर इट यूज टू गो लाइक 70-80 पे, तो इसका ऐसा हो जाता था कि भाई ठीक है, इट नीड एटलीस्ट 2 more gears. लेकिन अभी 103 पे आई एम क्रूजिंग कम्फर्टेबली. फ्यूल लो, अरे भाई अभी तो निकले हैं. स्प्रॉकेट चेंज कराने से डेफिनेटली फ़र्क है. स्प्रॉकेट को 16 की जगह 17 कर दो और ज़्यादा लंबे गियर्स हो जाएंगे. तो ये स्पीड ये 5th में या 4th में मांगेगी, बट उतना मैं छेड़ना चाहता नहीं हूँ उसको सेटिंग को. फिर इसका जो मज़ा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल सी सी बाइक है, एक्सलरेशन पूरा डाउन हो जाएगा. There were 3-4 changes which I did to this bike. The most important was the sprocket one, as I discussed. 44 डाल दिया 46 से. Second one was the Louis Moto seat with gel insert.
लॉन्गर राइड्स पे जो स्टॉक सीट थी वो काफ़ी सॉफ्ट होती थी, तो वो थोड़ी देर बाद क्या पेन हो ही जाता था बम्बे। अब इसमें अभी तक तो इट्स गुड, थोड़ी सी स्टिफ है एंड इट्स गुड। एंड थर्ड मेजर थिंग, थर्ड नॉट मेजर थिंग बट थर्ड थिंग, थर्ड चेंज जो कराया वो था इसके टैंक ग्रिप्स दोनों ख़राब हो गए थे और टैंक पैड वो नया लगवाया। फोर्थ चेंज क्या था कराया था मैंने इसमें, टैंक बैग, मोबाइल, बिस्किट, छोटी मोटी चीज़ें डालने के लिए। डॉग्स को खिलाता रहता हूँ तो फिर बिस्किट्स रख लेता हूँ, अदरवाइज मुझे बैग कैरी करना पड़ जाता है तो एक वो रहता है, तो इसके अंदर कर दिया, मोबाइल डाल दिया। रेस्ट, बाइक इज़ फीलिंग गुड।